जय हिंद सभी को। नमस्कार जी, हैप्पी ईद सभी के लिए। सबकी छुट्टी हो रखी, हमारी क्लास लगा दी आप लोगों ने। तो कल हमने शुरू करा था आपका गुप्त साम्राज्य। उम्मीद है आपको थोड़ा उसका बैकग्राउंड समझ में आएगा, अच्छा भी लगा होगा। थोड़े परिवर्तन करके चीजें शुरू करी थी और हम पहुंच गए थे प्रमुख प्रशासकों पे, और हमें ये भी पता है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है आपका। ठीक है, यहां तक हमारी बात हुई थी। महाराज की उपाधि इसने धारण करी थी और इससे हमें अंदाजा लग गया कि ये क्या थे, आपके सामंत थे। किन के थे? कुषाणों के थे। यहां तक बात हुई थी। और इत सिंह के हवाले से, इत सिंह के अकाउंट से पता पड़ती है किसने क्या करा मगध में, क्या एक नर आपका मंदिर का निर्माण करवाया और उसके लिए 24 गांव दान में दिए। कितने गांव? 24। इतनी सी चर्चा है, हालांकि बस इतना ही पूछेगा संस्थापक कौन है। जीएस का मतलब क्या है? सिंपल सी बातें पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछता है। 240 से 280 तक इसका टाइम है, वो भी क्या आपका ईसवी वाला, यानी तीसरी शताब्दी का है ये। इसका बेटा है आपका घटोत्कच। क्या नाम है? कहते हैं कि गुप्तों की वास्तविक रूप से वंशावली जब देखी जाती है तो किससे देखी जाती है आपकी? घटोत्कच से देखी जाती है। कहने का मतलब यह है कि राजनीतिक इतिहास गुप्तों का शुरू होता है वो कहां से शुरू होता है? घटोत्कच से। और ये बात कहां दे रखी है? सुपिया लेख है। लेख का नाम क्या है? सुपिया। कहां पे पड़ता है सर? रीवा में पड़ता है। रीवा डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में। रीवा एमपी में एक लेख मिला है, क्या नाम है उसका? सुपिया। उसमें बताया गया है, चर्चा की गई है, उसमें स्टार्टिंग की गई है घटोत्कच से, वंशावली की, गुप्त वंशावली की। इसका मतलब यह है कि ऐतिहासिक जो राजनीतिक इतिहास गुप्तों का शुरू होता है तो आंसर क्या रहेगा, किससे शुरू होता है? घटोत्कच से। प्रश्न पूछने वाले के ऊपर रहता है कैसे पूछ रहा है। गुप्तों का राजनीतिक इतिहास शुरू होता है किससे? घटोत्कच से। पूछेगा गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है आपका, और यहीं से मैं शब्द परिवर्तित कर दूं, मैं उसको प्रश्न को बाद में पूछूंगा। वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम, अभी आएगा इसके बाद में। यहां तक बात हो गई। तो घटोत्कच का बेटा है, क्या नाम है उसका? चंद्रगुप्त प्रथम, उसी को लेकर के आगे अब हमारी चर्चा शुरू होगी, चंद्रगुप्त प्रथम को लेकर के। इसका टाइम है सर 319 से लेकर के 350, कई जगह पे 335 भी दे रखा है। डेट में बड़ा ड्रामा है इनका, बट हमें ये पता है कि 300 जो 19 है इसकी पक्की है, क्योंकि यही माना जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम ने संवत शुरू करा है, गुप्त संवत। जैसे ही वो सिंहासन पे आरूढ़ हुआ, सिंहासनारोहण हुआ उसका, कब हुआ? 319 में, और तभी से उसने एक नया संवत शुरू करा। ये राजे लोग अपने आप को अमर करने के लिए कुछ ना कुछ ड्रामे शुरू करते रहते थे। इसने क्या करा, 319 में आपका गुप्त संवत शुरू कर दिया। लेकिन हुआ यह है, इसकी कितनी वैल्यू है? जब तक गुप्त साम्राज्य रहा तब तक वैल्यू है, उसके बाद में कोई वैल्यू नहीं रही। इतनी बात हमें पता पड़ गई। गुप्त संवत ध्यान रखना। एक प्रश्न पूछेगा कैसे पूछेगा, नए संवत के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है किस गुप्त संवत आपका शासक को? चंद्रगुप्त। एक बात हो गई यहां तक, क्लियर। अब चलते हैं थोड़ा आगे। गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक या वास्तविक संस्थापक? प्रथम प्रतापी राजा, ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट। द्वितीय मत बोलो, कौन है आपका? चंद्रगुप्त फर्स्ट, प्रथम प्रतापी। सबसे ज्यादा प्रतापी तो द्वितीय वाला है ना, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि समुद्रगुप्त भी है तो कई में लड़ाई है, लेकिन शुरुआत में पावरफुल कौन बनता है आपका? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम बनता है। यहां तक बातें समझ में आ गई। प्रथम प्रतापी इसलिए बोला जाता है कि मगध से इनकी स्टार्टिंग होती है। मगध के बाद में देखोगे इसने अपना साम्राज्य कहां तक स्टार्ट शुरू कर दिया आपका, विस्तार करा, इलाहाबाद तक ले आया। कहां तक ले आया? इलाहाबाद तक। चलते हैं आपके, अब इसका ब्याह भी करवा देते हैं। लिच्छवी राजकुमारी है जिसका नाम है कुमार देवी। तो कुमार देवी के साथ में किसका ब्याह हुआ है? चंद्रगुप्त फर्स्ट का। और वैशाली राज्य प्राप्त किया। ये बड़े चालू लोग थे, आक्रमण भी करते थे, कई बार किसी से ब्याह शादी भी कर लिया तो दहेज में इनको पूरा पूरा राज्य मिलता था। दहेज प्रथा यहां से ही पुरानी भी है। तो इनको कौन सा क्या मिल गया? वैशाली मिल गया। आपका आधुनिक इतिहास में देखोगे तो मुंबई भी दान में दिया गया था, उसकी चर्चा बाद में करेंगे, आएगा तब टॉपिक, ठीक है। वैसे ही क्या है, वैशाली राज्य इसने प्राप्त किया कुमार देवी से विवाह करके। और आपको पता है कुमार देवी क्या है आपकी, कौन राजकुमारी है? लिच्छवी राजकुमारी है। लिच्छवियों को बताओ क्या है, लिच्छवी संघ है ना,
किस से जुड़ा हुआ है? वज्जी संघ से। चलो यहां तक हमारी बात समझ में आ गई। ब्याह करा, साथ साथ में क्या उसका नाम अपने सिक्कों पर अंकित करवाया, तो वो कौन है आपका? कुमार देवी। वो कौन सा गुप्त शासक है जिसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के से विवाह करके किया, साथ में ही उसने उसका उसका नाम सिक्कों पर अंकित करवाया? आंसर रहेगा, देखो आप उस उम्र में हो, कोई चीज पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया करो। इससे क्या रहता है कि आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाते हो कि पेपर में पूछा कैसे जा सकता है, आंसर कब चंद्रगुप्त फर्स्ट रहेगा। यदि ये विजडम क्रिएट हो जाती है तो आप वास्तविक रूप से तैयार हो जा रहे हो एग्जाम के लिए। अच्छा, यहीं से एक और प्रश्न बनता है, पहला गुप्त शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए, आंसर क्या है आपका? पहला गुप्त शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए वो कौन है आपका? चंद्रगुप्त फर्स्ट है, और उपाधि धारण करी महाराजाधिराज की। महाराजाधिराज की, बोलो किसकी? इसका जो पितामह है, पितामह बोलते हो आपका बाबा, नाम क्या है? श्रीगुप्त। उसकी उपाधि बताओ जल्दी से। महाराज, महाराज बोले सामंत। इसने महाराज नहीं बोला, इन्होंने बोला हम है अब असली राजा, तो क्या है आपका? महाराजाधिराज। इसलिए बोला जाता है वास्तविक संस्थापक गुप्त साम्राज्य का, प्रॉपर राजा बन गया। इसने उपाधि कौन सी धारण करी? महाराजाधिराज की। प्रश्न आएगा किस गुप्त शासक ने महाराजाधिराज की पद या उपाधि धारण करी थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट। वो कौन सा आपका, वो प्रश्न बाद में करेंगे, अपन क्लास खत्म होती है तब हम आपका टेक्निक से समझते भी हैं, ठीक है? वही कमाई बाद में करेंगे, पहले लेक्चर हो जाए। आगे है, समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी बनाने के बाद में संन्यास ग्रहण कर लिया, कहने का मतलब क्या है? चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा कौन है? समुद्रगुप्त। और यहां से शुरुआत हो रही है एक बड़े प्रतापी राजा की। समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी बनाया, बाद में संन्यास ग्रहण कर लिया, और ये बात की जानकारी पता पड़ती है समुद्रगुप्त का ही एक वो है, बताओ फेमस प्रयाग प्रशस्ति लेख, उसी में चर्चा है, उसके श्लोक 4 में है। किसने लिखा है वो? हरिश्चंद्र ने लिखा है। कहां तक पहुंचे आप? उत्तराधिकारी बना दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। एक और है जो बात ध्यान रखनी है कि कुमार देवी समुद्रगुप्त की कौन है? मम्मी है। तो समुद्रगुप्त लिच्छवी दौहित्र कहलाता है, और ये कहां पे लिखा हुआ है, ये कहां से जानकारी होती है? प्रयाग अभिलेख से, प्रयाग प्रशस्ति से ये भी जानकारी होती है कि ये क्या है, लिच्छवी दौहित्र। दौहित्र का मतलब क्या होता है? अरे तुम्हारी ननियाल है ना लिच्छवी, जैसे इसकी ननियाल है लिच्छवी, तो लिच्छवी के लिए तुम क्या हो गए? ये हो गए आपके दौहित्र, आपकी कहीं ननियाल है, ठीक है? मान लीजिए ये कोई गांव है, यहाँ पे मान लीजिए अजमतगंज है, ठीक है? अजमतगंज तुम्हारी ननियाल है, तो वो क्या हो गया आपका? तुम अजमतगंज के दौहित्र हो गए, ठीक? सो ये हो गया आपका, तो प्रयाग अभिलेख से ये जानकारी होती है, ठीक है? अब चलते हैं सर आपकी, जब चर्चा हमने कर ली किसकी? समुद्रगुप्त की, तो उन्हीं की शुरुआत करते हैं। कहानी बहुत बेहतरीन वाली है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के, आर्यावर्त तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। यहाँ से एक जानकारी पता पड़ेगी, आर्यावर्त का मतलब होता था उत्तर वाला भारत, दक्षिणावर्त का मतलब दक्षिण भारत वाला, ठीक है? इसने एक एक दर्जन राजा हराए, अच्छा खासा इसने जीता, इसकी विजय अच्छी खासी रही है। कहा जाता है इसका टाइम है सर 350 से लेकर के आपका 375 पौने 400 तक, ठीक है? क्योंकि वहां से कौन आ जाएगा, 375 से लगभग 412 या 415 तक आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, और जो बाद में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेगा। आर्यावर्त तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। अच्छा, इस वजह से, बिकॉज ऑफ दिस, कहने का मतलब है इसने एक दर्जन भर राजा इधर के हराए, दक्षिण के भी हराए, इसलिए एक आपके हिस्टोरियन है जिनका नाम है आपका विंसेंट स्मिथ, उन्होंने इसको भारत का नेपोलियन क्या है, कहा है, क्या बोला है? अब यहां से प्रश्न बनेगा, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, समुद्र नहीं, समुद्र, क्या बोला जाता है? समुद्रगुप्त, उसको भारत का नेपोलियन बोला जाता है। यहां तक हमारी बात हो गई। अब चलते हैं कहां पे, दिग्विजय की जानकारी के स्रोत क्या है?
इसने क्या करा, दिग्विजय का मतलब होता है सब दिशाओं में इसने जीत हासिल करी, आर्यावर्त के सारे जीत लिए, सारे नहीं मतलब एक दर्जन भर, वही एक दर्जन भर कहां के आपके दक्षिणावर्त के, आर्यावर्त उत्तर भारत दक्षिणावर्त, ओके इसकी जानकारी मिलती है। सबसे पहले तो आ जाओ कहां से आपके प्रयाग प्रशस्ति, अब शुरुआत करते हैं इसकी बात। प्रयाग प्रशस्ति एक स्तंभ लेख है, एक स्तंभ बना हुआ है उसी पे लिखा गया है। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा, किसी की तारीफ है लिखना, तारीफ, ठीक है। और इसका लेखक कौन है, हरिसेन, कौन है, दरबारी कवि है। प्रश्न आएगा कैसे कैसे करके कि प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है आपका, अच्छा हरिसेन किसका दरबारी कवि है, समुद्रगुप्त, किसका आपका, समुद्रगुप्त का। किस तरीके से प्रश्न आएंगे समझ में आ गई, चलो अब एक बात और देख लेते हैं। गुप्तों के आरंभिक पूर्वजों के रूप में श्री गुप्त और घटोत्कच का विवरण कहां से मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति लेख से। अब प्रश्न आएगा सीधा यहां से, गुप्तों के आरंभिक पूर्वजों, गुप्तों के शुरुआत वाले पूर्वजों जिनमें कौन हो गए, श्री गुप्त और घटोत्कच, उनका विवरण कहां देखने को मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति लेख में। सुलझे, ओके। और ये बात कौन से श्लोक में, आपकी आपके सातवें श्लोक में दिग्विजय की जानकारी देता है, ये नहीं पूर्वज वाली नहीं, दिग्विजय की जानकारी सातवें श्लोक में। प्रयाग प्रशस्ति की बात होगी हमारी। अब बात करेंगे महान विजेता, इसी प्रयाग प्रशस्ति में देखो तारीफ की गई, क्या बोला गया है, समुद्र गुप्त हमारा महान विजेता है, संपूर्ण पृथ्वी को विजय करने वाला है। कोई दरबारी कभी ये कैसे लिखेगा, बड़ा चढ़ा गया हमारे राजा ऐसे घोड़ी पे चले, तो समझ रहे ना रामलीलाएं होती है तुम्हारे गांव में, तो कैसे कैसे वो तारीफें करते हैं अपने राजाओं की। तो संपूर्ण पृथ्वी को विजय करने वाला, इसके लिए बोला गया धरणी बंध, धरणी को पूरा आपका बंधक बना लिया या आपको जीत लिया, विजय कर लिया। धरणी बंध किसको बोला गया सर, समुद्रगुप्त को, किसमें किसके अनुसार, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार, ठीक है। इसकी नीति थी आक्रमण की, ये नहीं करता था कोई आक्रमण करे तब मैं करूंगा, मैं खुद ही आक्रमण करूंगा, ये समुद्रगुप्त है। अब प्रश्न ये है कि प्रयाग प्रशस्ति प्रयाग में ही थी, ये जो स्तंभ लेख है, स्तंभ क्या ये यहीं पे था कि कहीं और था, इसकी शुरुआत होती है सर अशोक से, कहां से, अशोक से, और अशोक ने इसको कौसाम्बी में बनवाया था, हालांकि कौसाम्बी आपके किसमें, प्रयाग में ही आता है, ठीक है, इलाहाबाद में ही है, ठीक है। क्या है बताओ, वत्सी की राजधानी क्या है, कौसाम्बी, वत्सी बोले तो आधुनिक इलाहाबाद का है इलाका, तो उसमें कोई आपके सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है कि कौसाम्बी कहीं और है, वो थी उसी एरिया में। यानी कहने का मतलब इसको बनवाया कहां पे, किसने, अशोक, अशोक ने, और कहां पे बनवाया, मूलतः कौसाम्बी में था। समुद्रगुप्त ने इस पे क्या है, प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई नहीं भाई, उसके कवि ने लिख दी प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त। अब उसके बाद में ये वहीं पे था, लेकिन कौसाम्बी से उठा करके अकबर कहां ले गया, इलाहाबाद के किले में। एक प्रश्न रहेगा, इलाहाबाद के एरिया में तो था ही वो, पर इलाहाबाद के फोर्ट में, इलाहाबाद के किले में कौन ले गया, अकबर। अकबर के बाद में इस पे चर्चा बीरबल की भी है, किसकी चर्चा है, बीरबल की। अब ये नहीं है कि ये कहीं ले जा रहा है वो कर रहा है, इसकी इस पे चर्चा बीरबल की भी है, और बाद में देखोगे तो जहांगीर ने भी कुछ थोड़ा बहुत लिखवाया है। अब प्रश्न आएगा, प्रयाग प्रशस्ति जो स्तंभ लेख है उस पे किन किन के नाम देखने को मिलते हैं, तो सर ये पांच हैं। है डीप बात, प्रश्न पूछ ले तो आपको रहेगा कि नहीं याद, तो आपने बोला अशोक आप जानते हो, समुद्रगुप्त का तो लेख ही इस पे, अकबर ने उधर करवाया, अपने आपके चेले चंडारे पंडित जी बीरबल जी, उनका नाम अकबर बीरबल का तो रहता ही है। उसके बाद में क्या है, जहांगीर सलीम उसका बेटा है, ठीक है। ये मुगल काल से तीन उठा लो, ये दो तो आई है पीछे, रटना पड़ रहा है कि लॉजिकली लिंक हो रहा है, लॉजिकली हो रहा होगा उम्मीद है। चलो फिर से हम बात करें तो कहां है आपका, अशोक ने कौसाम्बी में निर्मित करवाया। पूछेंगे ये जो प्रयाग स्तंभ लेख है, ठीक है, स्तंभ लेख नहीं स्तंभ है, स्तंभ लेख नहीं बात करेंगे, ये जो है ना किसने निर्मित करवाया, अशोक ने, कहां पे, कौसाम्बी में। उसके बाद में इस पे प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई, किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, किसने लिखी, हरिश्चंद्र ने लिखी, ठीक है। उसके बाद में अकबर आ जाएगा, कौसाम्बी से उठाकर के इलाहाबाद के किले में ले जाएगा। उसके बाद में बीरबल की चर्चा भी है और थोड़ा बहुत जहांगीर ने भी लिखवाया। क्लियर क्वेश्चन। अब मेरा प्रश्न है, हरिसेन को जोड़ोगे कैसे, हरिसेन को समुद्र गुप्त से जोड़ोगे कैसे, कल्हण और ये विल्हण ये भी परेशान करते हैं, हाँ इसको ऐसे जोड़ेंगे। एक चीज बताओ, हरि बोले तो विष्णु,
हरि बोले तो विष्णु, और विष्णु कहाँ बैठा है? समुद्र में। सच्चा कि नहीं है? तो समुद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त से किसका संबंध है? हरिशयन का। एक शब्द लिंक कर लो, हमें तो थोड़ी हिंट तो चाहिए। हिंट के लिए क्या है? हरि कहाँ रहते हैं? समुद्र में। तो हरि किसके दरबारी है? समुद्र के तो नहीं होंगे ये, यहाँ तो कहानी उल्टी होगी, लेकिन हम कहानी के अनुसार देखें तो इतिहास के अनुसार यहाँ पे उल्टा हो गया। हरि बोले तो विष्णु कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में रहते हैं ना, समुद्र में, शेष नाग पे। ऐसे लिंक कर लेना। तो समुद्रगुप्त के, समुद्रगुप्त का जो है ना दरबारी कवि कौन है? हरिशयन। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक भी हैं। ये हमारी बात होगी सर, अच्छी खासी हमने बात कर ली। अब चलते हैं सर आपके, सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस में देखने को मिला? प्रयाग प्रशस्ति में। अब प्रश्न आएगा, निम्नवत में से किस स्तंभ लेख में या किस आपके ऐतिहासिक जो आपके स्रोत है उसमें भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम? तो आंसर क्या है आपका? प्रयाग प्रशस्ति। सुलझ पा रहे हो? दूसरा, अश्वमेध यज्ञ का वर्णन नहीं है। एक सरप्राइज की बात है कि अश्वमेध यज्ञ का वर्णन नहीं है, कि समुद्रगुप्त ने कोई अश्वमेध यज्ञ करवाए, इसका वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में नहीं है, जबकि होना चाहिए था। अश्वमेध यज्ञ किसी राजा की सबसे ज्यादा पावर दिखाता है, छोटा मोटा राजा कर भी नहीं सकता। इसका मतलब है मुंह फाड़ के लगाम ले रहा है, दूसरों से, पड़ोसियों से दुश्मनी ले रहा है, और ऐसा माना जाता है। अब यहीं पे बात करें, यहां तो वर्णन नहीं है, लेकिन अनेक अश्वमेध यज्ञ करने वाला बताया गया है समुद्रगुप्त को। किसके द्वारा? प्रभावती गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? प्रभावती गुप्त के द्वारा, और उसका अभिलेख है पूना अभिलेख। अब सर ये प्रभावती गुप्त कौन है? तो समुद्रगुप्त का एक बेटा है जिसका नाम है क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेगा, उसकी बेटी है प्रभावती। कहने का मतलब क्या है? समुद्रगुप्त की क्या है? नातिनी। इसका विवाह साउथ में वाकाटक लोगों से कर दिया गया, पूना उधर ही तो पड़ेगा, महाराष्ट्र वाले में। पूना अभिलेख है प्रभावती गुप्त का, उसमें बोला गया हमारा जो दादा है ना कौन? समुद्रगुप्त, अनेक अश्वमेध करने वाला है। तो कॉन्ट्रास्ट चीज है, जबकि उसकी तारीफ है वास्तव में कहां हो रही है? प्रयाग प्रशस्ति में, और वहां अश्वमेध की चर्चा नहीं है। एग्जामिनर पूछेगा, एग्जामिनर क्या कहेगा? एग्जामिनर कहेगा कि प्रयाग प्रशस्ति लेख में अश्वमेध की चर्चा है, सही है गलत है? गलत है। अच्छा, समुद्रगुप्त के बाद में एक और आएगा, कुमारगुप्त। कौन आएगा? गुप्तों में ये दो ही राजा हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराए। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, एक समुद्रगुप्त हो गया, उसके बाद में कौन आएगा? कुमारगुप्त। आगे चल के आएगा इन्हीं में। इन दो लोगों ने क्या करवाया आपके? अश्वमेध। ठीक है, यही चर्चा देखने को मिलेगी। अब इसका आ जाता है सर आपका एरन स्तंभ लेख। एरन स्तंभ लेख, अभी हमने प्रयाग प्रशस्ति कर लिया, ये दोनों ही फेमस हैं सर, एग्जाम में इतनी बार पूछे गए, इसलिए थोड़ा आसानी से आराम से इनको थोड़ा वक्त दे लेते हैं, क्योंकि कोई चीज जो टिपिकल होती है उसको थोड़ा टाइम दे दो तो आराम से, कोई टिपिकल नहीं होती, थोड़ा रुक जाओ। एरन स्तंभ लेख कहां है सर? सागर जिला पड़ता है मध्य प्रदेश का, सागर जिला है मध्य प्रदेश का, एरन स्थान पे है। देखिए मध्य प्रदेश है उसमें सागर जिला है, सागर में एरन है, एरन जगह का नाम है। ठीक है, जैसे प्रयाग स्तंभ लेख है तो प्रयाग नाम है, वैसे एरन नाम है। और इसमें बताया गया है कि समुद्रगुप्त जो है ना, राजा हुए पृथु और राजा हुए राघव, इनसे भी ज्यादा बड़ा क्या है? दानी है। प्रश्न आएगा किस अभिलेख में उस क्या नाम है समुद्रगुप्त को राजा पृथु और राघव से भी ज्यादा दानी बताया गया है? एरन अभिलेख। समझ में आ रही है ना, कोई बात पढ़ रहे हैं तो प्रश्न कैसे बनेगा? क्लियर हो गया। एरन अभिलेख किसका, एरन अभिलेख से संबंध है किसका? समुद्रगुप्त का। ये कहां है सर? एमपी में मिला है। क्लियर हो रही है बातें? वो इतना डिटेल मत जाओ, जीएस में थोड़ा कमी रखता है वो तो बड़ी परीक्षा होगी तो भीतर जाता है। ठीक है, अब एक और बात है, इसमें इसकी पत्नी का नाम भी बताया गया है, उसका नाम है दत्त देवी। तो किस अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम भी उल्लेखित किया गया है? तो वो है आपका एरन अभिलेख। सर बातें क्लियर हो रही हैं? पढ़ो ऐसो कि जैसे भाई साहब क्वेश्चन भी आपके रिलेट हो पाए। अब चलते हैं इसकी मुद्राएं हैं, कुछ 5-6 प्रकार की इसने मुद्राएं भी आपकी जारी करी, और हर एक मुद्रा कुछ न कुछ इसके बारे में बताती है। तो गरुण प्रकार की शॉर्ट में रख दिया, क्योंकि बार बार नहीं लिखना, नोट्स में जितना छोटा हो जाए उतना सही रहती है नोट्स। ठीक है, कम जगह में ज्यादा चीजें आ जाएंगी। चलिए आपका क्या है,
तो मुद्राएं किस प्रकार की, एक तो गरुण प्रकार की है। गरुण प्रकार की मुद्रा इसने तब जारी करी जब इसने नागवंशी राजाओं पर विजय प्राप्त करी और एक टाइटल लिखा हुआ है वहां पे, वह है आपका पराक्रम शब्द लिखा हुआ है वहां पे उसी सिक्के पे। कौन से पे? गरुण प्रकार की मुद्रा पे लिखा हुआ पराक्रम। ताकि क्या लिखा हुआ है? पराक्रम। तो प्रश्न आएगा कि समुद्रगुप्त की किस मुद्रा पे पराक्रम लिखा गया है, किस प्रकार की मुद्रा पे? गरुण प्रकार की मुद्रा। जैसे जैसे बड़ी परीक्षा हो जाएंगी, सीजीएल आपका टक्कर मारता है, ठीक है। सीजीएल के बाद में जैसे जैसे आप पढ़ोगे कहां पे आपके आरओ इन सब में आपका थोड़ी डिटेल ले लेता है, और एक बार पढ़ना फिर टेंशन खत्म। तो एक बार पढ़ी लो। दूसरे इसकी धनुर्धारी वाली, इस पे लिखा हुआ अप्रतिरथ, अप्रतिरथ, अप्रतिरथ। किस पे लिखा हुआ है? धनुर्धारी प्रकार की मुद्रा पे लिखा हुआ है। और इसमें राजा समुद्रगुप्त को क्या धनुष बाण लिए खड़ा हुआ दिखा गया, मुद्रा पे चित्र रहता है। क्या हो गया? हाँ, तो धनुष बाण हाथ में लिए दिखाया गया है, ठीक है। किस प्रकार की मुद्रा में? धनुर्धारी मुद्रा में। और इसी में इसके लिए शब्द है कौन सा? अप्रतिरथ। अगला है परशु प्रकार की मुद्रा। परशु का मतलब होता है फरसा। परशुराम कौन से थे, क्या रखते थे, उनका अस्त्र क्या था? परसा, परशु। तो परशु इसमें उपाधि है कृतांत परशु। क्या बोला गया इसको? कृतांत परशु उपाधि धारण करी है इस मुद्रा के अनुसार। कौन सी? कृतांत परशु। कृतांत का मतलब होता है यम, काटने वाला, कृतांत, ठीक है, कतर के अंत करने वाला। हालांकि ये कोई मतलब नहीं है, जानबूझ के मैं लिंक कर रहा हूं, ठीक है। अश्वमेध प्रकार की मुद्रा, इसमें इसका जो उपाधि दिखाई गई है वो है राजाधिराज की। कौन सी वाली? राजाधिराज। फिर से बोलो, राजाधिराज, अश्वमेध वाली में। और यहां से इस मुद्रा से पता पड़ती है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कराए। हालांकि एक आयरनी है, एक सरप्राइज है कि भाई प्रयाग प्रशस्ति में उसकी चर्चा नहीं है, मुद्रा बता रही है। और पूना अभिलेख किसका है आपका? उसकी नातनी का नाम बताओ, प्रभावती गुप्त, ठीक है, वो भी वहां से भी पता पड़ रही है। इसके बाद में व्याग्रहनन, इसके बाद में क्या है? व्याग्रहनन। अगली मुद्रा इसकी व्याग्रहनन। व्याग्र कहते हैं आपके किसको? व्याग्र का मतलब क्या होता है? बाघ। व्याग्रहनन उसको मारते हुए दिखाया गया है। और इसमें व्याग्रहनन वाली मुद्रा पे ही मकरवाहिनी गंगा का भी आपका चित्र है। सर प्रश्न आएगा कि समुद्र आपके मकरवाहिनी गंगा का किसकी मुद्राओं पर आपका चित्र देखने को मिलता है? तो समुद्रगुप्त की। गंगा का वाहन क्या है? मकर। सरस्वती का वाहन? हंस। इसी प्रकार से मकर। चलिए, वीणा वादन करने वाला सबसे हाईलाइटेड वाला यही है मुद्रा वाली। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, संगीत से प्रेम उसका दिखाया गया है। अब प्रश्न रहेगा कौन सा शासक है जिसको वीणा बजाते हुए उसकी मुद्रा पे दिखाया गया? कई परीक्षा में पूछा गया ये वाला। मेरी बात समझ में आ गई? सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी उम्मीद है। अब चलते हैं इसकी विजय नीतियों के बारे में बात कर लेते हैं कि इसको भारत का नेपोलियन बोला है तो क्यों बोला है। अब विजय नीतियां, इसने एक उपाधि धारण करी है सर्वराजोच्छेता। सर्वराजोच्छेता उच्छेद करने वाला, सबको पराजित करने वाला, सर्वराजोच्छेता। ये प्रश्न सीधा सीधा आता है, डायरेक्ट आता है। किसकी उपाधि है? समुद्रगुप्त की। अच्छा, महाराजाधिराज किसकी उपाधि है? चंद्रगुप्त फर्स्ट की। महाराज किसकी उपाधि है? श्रीगुप्त की। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, बाकी उपाधि इसकी याद रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये वाली ध्यान रखनी है। सर्वराजोच्छेता किसकी उपाधि है? समुद्रगुप्त की। अब बात करते हैं इसकी पांच विजय नीतियां हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। राज्य प्रसवोद्धरण। प्रसवोद्धरण का मतलब क्या है? पेट में धर लेना। पेट का मतलब क्या सर? आपका मिला लेना। मगध के आसपास के राज्यों को मिला लिया था। ये किस नीति के तहत इसने मिलाया था? राज्य प्रसवोद्धरण, पेट में धर लेना, ठीक है। ये नीति। दूसरी सर्व, देखो दानाकरण, सर्व कर दानाकरण। सर्व कर दानाकरण का मतलब क्या है? सर्व माने सारे, दान माने वो कर माने टैक्स। दानाकरण, तुम्हें किसी जगह गया उसको जीत लिया और उनसे बोला कि तुम्हें हमें तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए, बस क्या है
तुम हमें सारे टैक्स दोगे, सर्व कर दाना कर। सीमांत क्षेत्रों के लिए नीतियां थी इसकी, सीमांत क्षेत्रों के लिए कौन सी नीति थी समुद्रगुप्त की, सर्व कर दानाकरण, सारे टैक्स देंगे वो। ओके, दानाज्ञाकरण, दानाज्ञा, दान की आज्ञा दी उनको, ठीक है। चलो, परिचारीकृत, परिचारीकृत का मतलब क्या, सेवा करना, ये वाला नीति है। आठविक राज्य के राज्य राज्यों को सेवक बनाया। आठविक राज्य असल में क्या थे, जनजाति क्षेत्र थे, साउथ में देखने को ले गए। अच्छा, इससे पहले हमने आठविक नाम सुना है कहां पे, अशोक ने चेताया आठविक राज्यों को, उनसे बोला मैंने धम्म अपनाया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दुराचार करोगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, राज्य की तरफ से दंड दंडित दंडित किया जाएगा या तुमने अपर उपद्रव फैलाया तो। बात समझ में आई, ये हम आठविक शब्द पहले सुन चुके हैं, ये जनजातियां थे, जनजाति राज्य थे, इनके लिए नीति थी समुद्रगुप्त की परिचारीकृत, तुम क्या करोगे, सेवा करोगे, सेवक बना लिया इन राज्यों को। ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह, तीन से शब्द बनाए। ग्रहण पहले तो उसको जीता, मोक्ष का मतलब मुक्त करा, फिर अनुग्रह किया। चलो, दक्षिण भारत के जो 12 राजाओं के संघ को इसने पराजित करा, दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को पराजित करा, फिर पुनः उनको राज्य सौंप दिया, अनुग्रह कर दिया, चलो कोई बात नहीं, कृपा कर रहे हैं, ठीक है, राजा मानते रहना। तो ये था, ये नीति थी दक्षिण भारत के लिए, दक्षिणावर्त के लिए कौन सी थी पूछा जाता है, दक्षिण भारत के लिए समुद्रगुप्त की कौन सी नीति थी, एक याद रखनी हो इन सारी में तो ये याद रखना, समझ आएगी। क्या है आपका, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, यहीं से बने, ग्रहण मोक्षानुग्रह, ठीक है, अनुग्रह शब्द यहां जुड़ जाएगा, ठीक है, यहां से हो जाएगा। कन्योपायन, कन्योपायन का मतलब क्या है, अब इसने विदेशी राज्य जीते उनके लिए क्या करा, उनके इन्हें छोड़ देंगे, टैक्स वैक्स लगा नहीं सकते, सरकार दानाज्ञाकरण भी नहीं कर सकते कि टैक्स होते हैं, ये विदेशी हैं, देंगे नहीं देंगे क्या पता है, मैं बार बार जा नहीं सकता, बोला इनसे ऐसा ड्रामा करो, ये ग्रहण मोक्षानुग्रह भी बाला भी नहीं करेंगे, सेवक भी नहीं बना सकते, ज्यादा दूर है और अपने राज्य के नजदीक नहीं है कि प्रसवो धारण कर ले इनका। बोला ऐसा है, तुम अपनी बेटी का ब्याह करो, तुमसे वैवाहिक संबंध बनाएंगे, तो विदेशियों को पराजित कर उनके साथ में वैवाहिक संबंध बनाए, ये है कन्योपायन, कन्या को ले लिया, ठीक है, ये इसकी विजय नीतियां हैं, किसकी आपकी, समुद्रगुप्त की, ठीक है। तो ये थी आपकी बात, लेकिन अब एक जो कंसेप्ट है जिसको मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि आपने सुना होगा चंद्रगुप्त के दरबार में 9 क्या थे, रत्न थे, ठीक है, तो उसको हम करेंगे, ये तो आपका अभी खत्म नहीं हुआ है, कोई थैंक यू, अगला जो शासक आने वाला है उससे पहले हम उसकी कुछ चीजें कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने मेमोरी टेक्निक में कुछ चीजें सीखी होंगी, जिनने सीखी हैं तो उनको याद हो जाएगा, नहीं सीखी हैं तो अभी सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आपने भले सीख रखी है लेकिन क्लास वहां पे भी जा रही है, ध्यान रखना। तो कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न का मतलब विद्वान को हरेक राजा जो है ना रखता भी है, 9 आपके इंटेलिजेंट लोग अलग अलग फील्ड में महारत हासिल किए वाले, रत्न का मतलब ऐसा ही है, अलग अलग क्वालिटी के लोग हैं, अलग अलग खासियतें हैं उनकी, देखते हैं कौन कौन है। तो आपका है कौन, आपके जिनको आप जानते हो, कालिदास, कल हमने चर्चा करी थी, कौन है आपके, काली है, काले कालिदास, पक्का कालिदास। उसके बाद में आपका शपणक, उसके बाद में अमर सिंह, अमर सिंह है, उसके बाद में आपके आ जाते हैं शंख और ये आपके अरे वो ये बताओ क्या नाम है जो विक्रम बेताल मूवी थी, बेताल आ तो क्या वो विक्रम बेताल मूवी थी, उसमें वो था ना आपका कौन, भूत था, जिन्न था, जो भी है, तो वो है आपके बेताल भट्ट, बेताल भट्ट। उसके बाद में घट करपर, उसके बाद में आपके धनवंतरी, वंतरी, उसके बाद में आपकी
वराह, व गड़बड़ हो रहा है, व राह मेहर, क्या हुआ, वरा मेहर, और उसके बाद में है आपके लास्ट में कौन, वर रुचि, वर रुचि, वर रुचि, वर रुचि। और मैंने कल ही पढ़े हैं और पहली बार पढ़े हैं, एक ही बार पढ़े, शायद एक आध बार और चर्चा करिए, पर मैंने लिंक कल ही करें, तो आपको इसी तरीके से कैसे याद हो सकते हैं उसका हम तरीका देख रहे हैं, ठीक है। ये दूसरी बार है जब मैंने आपके लिखे, मेरे पहली बार है, तो ऐसे करके आपको भी याद हो जाएंगे, ये मैं उम्मीद करके चलता हूँ और मैं विश्वास भी दिलाना चाह रहा हूँ। चलो कुछ मेमोरी टेक्निक है उनको देख लेते हैं। मेमोरी टेक्निक में आपको पता है हम क्या करते हैं, ये जो नाम है, कुछ नाम तो है हमारे पास में, ब्रेन आपका लिंक कैसे करेगा, तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो नंबर है, नंबर नहीं समझेगा, नंबर को चीजें चेंज कर लें, किसमें, आपके तस्वीरों में। तो वन पे क्या था सर, आपका गन्ना, क्या आपका गन्ना है ये, ठीक है। दूसरे पे क्या है आपका, हंस, हंस देखो जो नंबर से ही बना रहा हूं, दो लिखा मैंने, फिर उसके बाद में क्या बना दिया, हंस बना दिया इस तरीके से, ठीक है। तीन पे देखो, तीन कैसे बनाएंगे, तीन मैंने लिखा, इसके बाद में मैंने क्या बना दिया, ओम बना दिया, ये ऊंट बन गया, ओम नहीं बना, ठीक है, जैसे भी आपका ओम बनता है, ठीक है। उसके बाद में चार पे क्या है सर आपका, इसको जो ना उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा आपका, देखो ये हो गया और ऐसे करके चेयर बन गई, यही है ना, इसको क्या वाटर इमेज बना दो, तो ऐसे बनेगी ना, ऐसा बनेगा, चेयर हो गया। उसके बाद में पांच पे क्या है, इसी को क्या बना दो, हुक बना दो, ऐसे करके, ठीक है, जो मंडी में मार्केट में आप चीजें उठाते हो वो वाला हो। छठे पे क्या है आपका, ये है आपकी हॉकी सर, छठे पे क्या है, हॉकी, ठीक है, गंदी वाली हॉकी पर ध्यान रखना, ठीक है। ये सातवें पे क्या है, आपने मार्केट में स्ट्रीट लाइट देखी होंगी, ऐसी रहती है ना लाइट, ठीक है। और आठवें पे क्या है सर आपका, चश्मा है, गांधी जी का चश्मा, ठीक है। देखो सारे नंबर इन्हीं में छिपे हुए हैं, कहीं से और नहीं उठाया। और ये नवे पे क्या है सर आपका, पंखा है, क्या आपका, पंखा, जो आपके गर्मी आ रही है और अब तुम पंखा यूज करोगे और यहाँ तुम जल्लर वल्लर लगा लेते हो इसके चारों तरफ, वो बात अलग है, ये क्या आपका जल्लर लगाते रहना, ये बात हो गई सर। अब हम इसको लिंक कैसे करेंगे, ये चीजें बन गई और इनसे कहानी जोड़ेंगे। आपका कालिदास है, किसके दरबार में चल रहा है, आपके चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के, ठीक है। तो कालिदास, वैसे तो आपको पता है उसके दरबार में कालिदास थे, ये तो नाम पहला तो याद ही रहता है, वैसे भी चाहो तो इनको कहो तो कालिदास गन्ना खा रहे हैं चंद्रगुप्त के दरबार में, ठीक है, सोच रहे हैं गन्ना खाते खाते सोचते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, छपनक है। अच्छा ये जो हंस है पानी में कैसे करता है, छप छप करता है, छपनक याद रहेगा। और तीसरे पे क्या है, अमर सिंह, अमर सिंह का लिए कहानी तो नहीं बन पाएगी लेकिन एक चीज जुड़ रही है, ये तीन जैसा दिख रहा है, तीन जैसा दिख रहा है, तो तीन पे क्या करते, ओम मले मत करो, अमर हो गए कैसे, वैसे कहानी भी बनाओ तो बना लो, अमर कब हो गए, जब ओम बोलोगे, है ना, ऐसे भी कर सकते हो। आपका चौथे पे शंख, अब शंख कैसे, कुछ लोग ज्यादा ठूस लेते हैं, चेयर पर बैठ के शंख बजाते हैं कि नहीं, ऊपर वाला नहीं दूसरा वाला शंख बोल रहा हूं मैं, समझ रहे हो। तो चौथे पे कौन है आपके, शंख है। और पांचवें पे आपका बेताल भट्ट, तो बेताल वैसे भी क्या था, भूत था, उसको हुक पे लटका दो तुम, है ना, तो वैसे भी लटक के रहता था, किन के पे, विक्रम के पे, ठीक है। आगे है सर आपका घट करपर, करपर कहते हैं कई बार खोपड़ी, ना तो तेरे कपाट फोड़ दूंगा, किसे, हॉकी से फोड़ रहे हो करपर, ठीक है, घट फोड़ रहे हो उसका। उसके बाद में जब तुमने फोड़ दिया तो इलाज के लिए किसी को बुलाओगे, तो सातवें नंबर पे कौन आ रहे हैं, धन्वंतरी, और वे कहाँ पे आपका इलाज कर रहे हैं, लाइट के नीचे रख के, ठीक है, खोपड़ी फूट गई थी। आठवें पे कौन है आपके, वराहमिहिर, वराहमिहिर कौन थे आपके बताऊं, खगोल, खगोलज्ञ थे ना, खगोल शास्त्री वगैरह थे बड़े आपके, तो ये क्या है, चश्मे से देख रहे हैं, आठवें नंबर पे चश्मा था। और ये कह रहे हैं कि मेरी रुचि केवल इसमें है कि गर्मी आ गई है हवा ली जाए, ठीक है, तो इस तरीके। अच्छा ये किसी को बताना नहीं कि मेरे दिमाग में क्या चल रही है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रही है, ये बस ये है कि तेरे को नवरत्न बताऊं, देख ऐसे करके। अब चलो क्या लग रहा है आपको, ये बताओ, चलो चौथे पे बताओ, शंख। आप जरूरी नहीं, आप क्रम से आप किसी भी नंबर पे बता सकते हो, ये कमाल होता है मेमोरी टेक्निक का। छठे पे बताओ घट कर पर, सातवें पे धन्वंतरी, अच्छा चौथे पे बताओ शंख हो गए, तीसरे पे बताओ, दूसरे पे छपड़ा, पहले पे, ये है मैजिक टेक्निक का,
नौ आपको याद भी हुए, साथ में तुम क्रम भी बता सकते हो, पूछना कौन से क्रम पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा बताओ आठवें पे कौन है, वराहमिहिर, ठीक है। तो सर अब बात करते हैं सर कालिदास के बारे में, तो कल हमने बात करी थी, ये इनके कवि हैं, किन के आपके, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। उसके बाद में दूसरे नंबर पे छपड़क हैं, इन ये भी इनको याद रह जाए ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, किन को याद रखना है मैं बता रहा हूँ। पहले नंबर पे याद रखना है कालिदास को, दूसरे रखने आपके धन्वंतरी, तीसरे आपके वराहमिहिर, ये तीन इंपॉर्टेंट हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है नौ में से। तो आपके सुनो, दूसरे छपड़क थे, तीसरे आपके अमर सिंह है, अमर सिंह ने आपका एक कोश बनाया था, शब्द कोश बनाया था, डिक्शनरी बनाई थी, संख है, संख के भी अपनी विशेषता है। उसके बाद में आपके कौन है, वेदाल भट्ट है, और उसके बाद में छठे पे आपके घटकर पर है, उसके बाद में सातवें पे धन्वंतरी, ये तो आपके थे ही आयुर्वेद के आचार्य, और वराहमिहिर ये बड़ा नाम है इनके टाइम पे, वराहमिहिर। उसके बाद में आपके वररुचि, इनमें से जो मेन थे मैंने बता दिया कितने, आपके कालिदास, धन्वंतरी और आपके वराहमिहिर, ठीक है। चाहो तो सबको याद कर लो। अब प्रश्न कैसे बनेगा, सर आपने याद तो करा दिया, प्रश्न बनेगा निम्नवत में से कौन आपका, किसका, चंद्रगुप्त का नवरत्न में शामिल नहीं है, तीन इनमें से डालेगा, चौथा कोई और में से डाल देगा, वो कहेगा बीरबल, क्या कोई और, ऐसा नहीं कि बहुत आसान डाल लेगा, ठीक है। कौन सा नहीं है, ऐसे करके ज्यादा पूछा जाता है, तीन इसमें से डालेगा, क्यों नौ है उसके ऑप्शन, मेरी बात समझ में आ गई। तो जीएस का सफर यही खत्म कर रहे हैं, अगली कल लास्ट क्लास है, उसके बाद में गुप्त साम्राज्य की बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, और कल थोड़ी लंबी क्लास चलेगी इसकी, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिए।